Well, if the boy is non-Muslim, I have told her that she will not have my consent because I'm hoping ki wo itna to samajhti hogi ki maa, you know, kuch cheezon mein strict hai. I have raised her that way. Abhi tak to usne yehi baat ki bhi aur, and I've given her reasons also ki kyun aisa hai, right? Aur sachi baat ye hai, for people living abroad in America and Canada and other countries. इसके ऊपर किसी और दिन बात करेंगे कि मुसलमान लड़कों को अल्लाह ताला ने क्यों कहा था कि अगर गुलाम है जो नॉन मुस्लिम, जो मुसलमान है और कोई और है जो नॉन मुस्लिम है उससे वो गुलाम बेहतर है, क्यों कहा था? इसलिए कि मुसलमान मर्द अगर उस चीज पे चले जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है और जो इस्लाम ने बताया है, तो वो एक बेहतरीन कैरेक्टर का हामिल होगा. He will be a strong man, but kind and loving and considerate and just, and he will be strong in character. उस तरह का मर्द मुझे आज कोई वाकई, वैसे आपसे कह रही हूँ कि फाइनेंशियली कोई वीक भी हो, आई डोंट केयर, आई वुड चूज दैट फॉर माय डॉटर, बिकॉज़ आई नो एक स्ट्रांग मर्द का मुकाबला एक वीक मर्द नहीं कर सकता जिंदगी में. और वही औरत को खुश भी रखता है, पैसा खुश नहीं रखता. बाय द वे, स्ट्रगल करनी पड़ती है कभी कभार पैसे की वजह से, बट खुश मर्द की स्ट्रेंथ रखती है औरत को.